काशीपुर में नवरात्रि अष्टमी पर शासन प्रशासन की कोरोना गाइडलाइंस के पालन के बीच बीते वर्ष की भांति इस बार भी मां मनसा देवी की विशाल शोभा यात्रा के साथ पर केवल मां का डोला, डीजे और कमेटी की दो झांकियों के साथ निकाली गई। इस दौरान खालसा फाउंडेशन टीम द्वारा सैनिटाइजर की सेवा प्रदान की गई। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की थाप और डीजे पर बजते मां के भेंटों पर भक्त झूमते दिखाई दिए। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। शोभा यात्रा है और इस बार किस तरह प्रशासन की गाइडलाइन शासन की आई है? 49वीं शोभा यात्रा मनसरी मैया की और प्रशासन की गाइडलाइन की कम से कम भीड़ रहे, कम से कम लोग साथ में चलें और मैया का डोला है, एक डीजे है, चार घोड़े हैं और दो झांकियां अपनी जो मनसा देवी समिति की वो साथ में चलेंगी। हम लोगों को वारंटियों को 200 कार्ड मिल गए हैं और बाकी जो दर्शन करने वाले हैं उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि जो मैया के साथ चलेंगे। अब अगले साल 50वीं स्वर्ण यात्रा है, स्वर्ण जयंती है। भगवती ने चाहा ये कोरोना काल का संकट दूर होगा तो पूरे जोर शोर से जो 2 साल से हम लोग हमारे मन में जो आस बची हुई है उसको अगले साल पूरी करेंगे। ऐसी मनसा देवी मैया से प्रार्थना करते हैं सबको सुखी रखे, सबको स्वस्थ रखे। ये प्राचीन शोभा यात्रा है जो मैं समझता हूँ उत्तराखंड या आसपास के इलाके की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। लेकिन ये देवी महामारी जो आ गई है इसकी वजह से हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसा प्रशासन का गाइडलाइन है उसके जो हमें सहयोग कर रहा है प्रशासन उसके अंतर्गत ही हम सब काम करेंगे, उनका मौका नहीं मिलेगा। और जनता से भी यही प्रार्थना है कि सब लोग दूर से दर्शन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, जो एक नियम चल रहा है इस समय उसको पूरा करें। मैं प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है, कितनी परमिशन दी गई है और क्या कौन कौन झांकियाँ इस समय हैं क्योंकि सूक्ष्म रूप है आज प्रशासन ने हमें परमिशन क्या वो तो मैया की इच्छा है शोभा यात्रा निकले ना निकले, मैया का डोला निकलेगा, बड़ा डीजे है, समिति की 2 झांकी हैं और उसके आगे 4 घोड़े हैं, उसके आगे खालसा फाउंडेशन का शहीद कैंपर चलेगा और सबसे पीछे एम्बुलेंस। झांकियाँ कौन कौन सी सम्मिलित हैं इस बार? झांकी 2 है, गणेश जी की और हनुमान जी की। जो हमारी